हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये डिज़ाइन सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है ये। कार्डिगन में आप इसको डाल सकते हैं, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको बना सकते हैं। बहुत इजी है और बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 3 के मल्टीप्लाई फंदे लेने होंगे और साथ में 2 फंदे एक्स्ट्रा। आप इसको किसी भी लाइट या डार्क कलर में बना सकते हैं। 2 कलर का बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने दूसरा कलर इसमें लगा करके दिखाया है आपको। ग्रीन कलर में भी ये बहुत प्यारा लगता है। आप इसका बॉर्डर बना करके तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपको 3 सिलाइयाँ बनानी है, सीधे और उल्टे की। सीधी साइड से सीधी सिलाई और उल्टी साइड से उल्टी सिलाई। तो तीसरी सिलाई से यानी कि बैक साइड से हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ से इसको अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, क्योंकि हम इसको बैक साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें उल्टी बुनाई करेंगे। देखिए, 3 4 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये धागा पीछे ले जाएंगे इस तरह से। पूरी बुनाई इसमें हमें बेसिक कलर से ही बनानी है और जहाँ पर डिज़ाइन है सिर्फ वहाँ पर हमें डार्क कलर यूज़ करना है। तो धागा पीछे करने के बाद 3 फंदे सीधे बनाएंगे, उसके बाद ये धागा पीछे से आगे ले आएंगे। देखिए इस तरह से, इसको हमें लूज़ ही रखना है। उसके बाद बेस कलर से हम इसमें 3 फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे और इसको ढीला छोड़ते हुए धागा पीछे ले जाएंगे। हर बार हमें इस पूरी रो में यही करना है। 3-3 फंदे बुनने के बाद धागे को आगे और पीछे करना है। ये देखिए, धागे को आगे कर दिया। तीन फंदे के बाद धागा पीछे। पीछे से धागा फिर से आगे। ये पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और लास्ट में 3 फंदे बनाने के बाद ये देखिए, उसी तरह से हम धागा यहाँ से पीछे ले जाएंगे और इस फंदे को ऐसे ही उल्टा बना देंगे। इसको हम इस तरह से थोड़ा सा खींच करके धागे को एडजस्ट कर लेंगे, जिससे कि ये टाइट ना हो। अब आ जाइए राइट साइड पर, रो नंबर 2। पहला फंदा बुनने के बाद ये देखिए, धागा हम पीछे डाल देंगे इस तरह से और 3 फंदे सीधे बना देंगे। 1 2 3 धागा आगे लाएंगे और 3 फंदे सीधे बना देंगे। जहाँ पर धागा आगे है वहाँ पर धागा फिर से आगे आना चाहिए इस तरह से। इसके बाद हम उसको उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, हर 3 फंदे के बाद धागा आगे और पीछे करते जाएंगे। धागा फिर से पीछे, तो हम इस रो को इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं और ये लास्ट के 4 फंदे हम ऐसे ही बना देंगे। इस तरह से ये देखिए, इसकी 2 लाइंस तो हमारे पास आ गई हैं। अब हमें इसकी 1 लाइन और बनानी है, बैक साइड से बनाएंगे हम। ये देखिए, स्टार्टिंग के 4 फंदे जो हैं हम उल्टे बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे
दो तीन चार, यहाँ से हम ये ग्रीन वाला धागा पीछे की तरफ डालेंगे और चार फंदे उल्टे बनाएंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, इसके बाद फिर से डार्क कलर आगे करेंगे, इस रो में भी हमें यही करना है, हर तीन फंदे के बाद धागा आगे और पीछे करना है। अब आ जाइए राइट साइड पर, ये देखिए ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको पैटर्न, इसको हमें डिज़ाइन देना है। अब हम इसको यहाँ पर बनाएंगे, किस तरह से बनाना है देखिए, पहला फंदा बुनेंगे, आप इसको उतार भी सकते हैं और इस धागे को हम पीछे की तरफ डाल देंगे, उसके बाद एक दो तीन चार, ये देखिए टोटल हम यहाँ पर स्टार्टिंग में शुरू के पांच फंदे बुन लेंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ बीच से नीचे से सिलाई डालेंगे इस तरह से, और इस वाले बीच वाले फंदे को हम पर्ल वाइज ऐसे उतारेंगे और अंदर से वापस ला करके उसी सिलाई पर इस तरह से डाल देंगे। अब इसको देखिए हमें कैसे बनाना है, इसको हम उसी ग्रीन कलर से बनाएंगे इस तरह से, देखिए इसको हम सीधा बना देंगे। फिर से क्या करना है, देखिए हमें बीच के पांच फंदे सीधे बनाने हैं बेस कलर से, दो तीन चार और ये पांच। ये देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि मिडल वाले फंदे में हमें बुनाई डालनी है, तो हम इससे पहला वाला फंदा बुनेंगे और मिडल वाले को इस तरह से बीच से ला करके इस सिलाई पर डाल देंगे। अब इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे डार्क कलर से इस तरह से, इसके बीच में हर पत्ती के बीच में हमारे पास पांच पांच फंदों का गैप आएगा, तो पांच फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद यही चीज़ हमें हर पैटर्न पर रिपीट करनी है, इस तरह से फंदा इस पर डालते हुए इसको हम सीधा बनाएंगे डार्क कलर से। तो ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन ये आ जाएगा। अब की बार हमें क्या करना है, अब की बार हमें लेफ़्ट साइड से सिर्फ वाइट कलर से पूरी सिलाई पूरी करनी है, उसके बाद सीधी साइड से सीधी सिलाई बनानी है और तीन सिलाइयां हम इसकी करके चौथी सिलाई पर बैक साइड से फिर से उसी तरह से डिज़ाइन शुरू करेंगे। चार सिलाइयां मैंने बीच में गैप देने के लिए कर ली हैं,
एक उल्टे और सीधे की सिलाइयाँ। आप चाहें तो इसमें इससे ज़्यादा या कम का गैप भी रख सकते हैं। मैंने इसके बीच में चार चार सिलाइयों का गैप रखा है। तो अब देखिए, ये पत्ती स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर बनाई थी, उसके बाद यहाँ बीच में बनाई है। अब ये यहाँ से स्टार्ट होगी, तो आ जाते हैं बैक साइड पर, इसको फिर से स्टार्ट करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले रो में जो मैंने आपको बताया था, तो हमने यहाँ पर चार फंदे उल्टे बनाए थे, उसके बाद हमने धागा आगे लिया था। अब की बार हम पहला फंदा उतारेंगे, आप इसको बना भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए इस तरह से धागा आगे ले जाएंगे और तीन फंदे इसके बाद उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम पीछे से आगे की तरफ ले आएंगे इस तरह से, और फिर से तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, ये देखिए। अब की बार हमें इस तरह से इसको आगे पीछे करना है, जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था उसी तरह से करना है। हर तीन फंदे के बाद हम इसको पीछे और आगे करते जाएंगे। तो ये देखिए पैटर्न को हम इस तरह से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अब की बार हमने यहाँ पर बनाया है, फिर जब ये वाला पैटर्न आपका पूरा हो जाएगा, ये वाली पत्ती यहाँ पर बन करके कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप इन तीन फंदों के बीच में इसको बनाएंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न जो है आगे बढ़ता चला जाएगा, ये देखिए इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। आप इसको बेबीज़ फ्रॉक में डाल सकते हैं, कार्डिगन वगैरह में डाल सकते हैं, बहुत प्यारा डिज़ाइन लगता है। अगर आप इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं फ़ोटो, आप हमें मेल कीजिए अपनी बनाई हुई प्रोजेक्ट को, हम अपने वीडियो में आपके प्रोजेक्ट को दिखाएंगे। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।